बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आज घर पहुंचे। गांगुली ने अपने फैंस का शुक्रिया जताते हुए कहा, अब मैं ठीक हूं। गांगुली की सेहत में सुधार के साथ ही बंगाल की सियासत में फिर से दादा वर्सेस दीदी की चर्चा जोर पकड़ने लगी है और चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है पूर्व क्रिकेटर और ममता सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मी रतन शुक्ला ने। मैरून कलर का मास्क और जैकेट पहने जब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली अस्पताल के गेट पर पहुंचे तो सबसे पहले हाथ हिलाकर अपने फैंस का इस तरह अभिवादन किया। हेलो हेलो सोना जाचे। तस्वीरें कोलकाता के वुडलैंड्स हॉस्पिटल के बाहर की है। दादा ने माइक संभाला और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। गांगुली ने कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ में ऐसा होता रहता है। I'm absolutely fine and hopefully in a few days we'll start. आपको बता दें कि सौरभ गांगुली को 5 दिन पहले माइल्ड हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहाँ एंजियोप्लास्टी करवाई गई। अगले शनिवार को हमारे पास आए थे, पीटीसीए हुआ था उसी दिन पे और आज उनका 6 दिन है। हम लोग डिस्चार्ज कल ही दे दिए थे। वो मांगे थे कि एक दिन और रुक जाएंगे अस्पताल में, टू जो हमारे तरफ से डॉक्टर के तरफ से कोई ना नहीं थी, लेकिन हम लोग एग्री किए उसके ऊपर में और वो एक दिन और थोड़ा कंफर्टेबल फील करके आज घर गए। हमारे तरफ से क्लिनिकली फिट है और उनके तरफ से शायद वो मेंटली बहुत फिट है। एक तरफ में वो कम्प्लीटली फिट होके घर गए। वैसे बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनावों में दादा के बीजेपी ज्वाइन करने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बंगाल में दीदी वर्सेस दादा की चर्चा भी गर्म है। इसी सियासी गहमा गहमी के बीच पूर्व क्रिकेटर और ममता सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने एक पेंटिंग की फोटो ट्वीट करके सौरभ गांगुली का शुक्रिया अदा किया। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने लिखा, एक सच्चा नेता सिर्फ खुद नहीं खेलता है बल्कि टीम को भी खेलने का मौका देता है। शुक्ला जी ने ये बात तो गांगुली के लिए कही है, लेकिन शाम को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैदान में बल्ले पर हाथ आजमाने खुद उतरे तो बंगाल चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहे कुंतल की पहली गेंद पर ही बोल्ड हो गए। आपको बता दें कि बंगाल क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर कप्तान और आईपीएल में नाइट राइडर्स को खिताब दिलाने वाले लक्ष्मी रतन शुक्ला 2 दिन पहले ही राजनीति से कुछ दिनों के लिए संन्यास का ऐलान किया था। सौरव गांगुली और लक्ष्मी रतन शुक्ला एक साथ बंगाल और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मैदान पर बल्लेबाजी कर चुके हैं। ऐसे में लक्ष्मी रतन शुक्ला के फेसबुक पोस्ट पर फिर से कयासों का बाजार गर्म है। I am leaving politics for now. अभी के लिए हम पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। सेवा तो बिना राजनीति के भी किया जा सकता है। हम तो लास्ट 4.5 साल में एक ही काम नहीं किए, राजनीति नहीं की है, पॉलिटिक्स नहीं की। और हमसे अच्छा आप लोग एक बार ये चीज़ बता सकते हैं। और देखिए, जब तक जिंदगी है, जब तक हम लोग चिता में नहीं जाते हैं तब तक काम करने का अपॉर्चुनिटी हमेशा चालू रहता है। झा जी, आपके बारे में हम जरूर बोलेंगे कि इतिहास देखिएगा कि बंगाल जब जब प्रेशर में रहता था लक्ष्मी रतन शुक्ला हमेशा मैच जिताता था। तो ना हम मैदान छोड़े हैं और ना हम कहीं भाग रहे हैं। अगर आपको कभी कोई काम हुआ, हमको कभी कोई काम होगा तो हम लोग एक दूसरे के गले मिलेंगे यार, सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात के बाद से ही बंगाल में सौरभ गांगुली की सियासी पारी की चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तरफ सौरभ गांगुली जहां यूथ आइकन है तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान की तरह ही देश के हर वर्ग में दादा के फैंस मौजूद हैं। ऐसे में लक्ष्मी रतन शुक्ला के ट्वीट के बाद राजनीति के जानकारों के बीच इस बात की चर्चा है कि क्या शुक्ला इस ट्वीट से कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।